शक्तिशाली देवताओं को पूजते पराक्रमी लोग। और के हथौड़ी की ताकत बेशुमार थी, लाजवाब सटीकता थी, वो एक बार में पहाड़ चकनाचूर करता था। इंसान को अलौकिक दुनिया से जोड़ते दिव्य सेतु। क्या ये मुमकिन है कि ये इंद्रधनुष ब्रिज एक तरह का वर्म होल रहा होगा, जिससे वाकई लोग चलकर दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते थे और पृथ्वी के दूर दराज इलाकों की महायात्राएं। कम लोग होंगे जिन्होंने अटलांटिक को पार करने का फैसला ये सोचे बिना किया होगा कि दूसरी तरफ क्या मिलेगा। आखिर वाइकिंग्स अपनी सभ्यता को इतना विकसित कैसे बना पाए? क्या टेक्नोलॉजी और अनुसंधान से जुड़ी उनकी उपलब्धियां वाकई उनके दिमाग की उपज थी, या उनके पीछे किसी दूसरे ग्रह के जीवों की सोच थी? हमारे पूर्वजों को लगा कि उनसे देवता मिलने आए थे, पर सच तो ये था कि उनसे मिलने कोई और नहीं बल्कि खुद एलियंस आए थे, जो एक तरह के जीव थे। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आए थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ऐसा था तो क्या इसके सबूत हमें वाइकिंग्स के इतिहास और पौराणिक गाथाओं में मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है द वाइकिंग गॉड्स। जंगली, खूंखार और खून के प्यासे लुटेरे, जिन्हें उनकी क्रूरता के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा। जब भी हमारे जहन में नॉर्स या वाइकिंग का ख्याल आता है तो दिमाग में कुछ लुटेरे अपने जहाजों से उतरते लूटपाट करते नजर आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सच सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी कई यात्राएं ऐसी भी थी जिनमें उन्होंने लूटपाट या ऐसी कोई असामाजिक घटनाओं को अंजाम नहीं दिया था। उन्होंने अपने प्रयासों से व्यापार के रास्ते खोले। अगर हम 8वीं या 9वीं सदी में नजर डालें तो नॉर्स सभ्यता फल फूल रही थी। उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज कमाल की थी और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते थे। वाइकिंग्स या नॉर्स लोग 8वीं सदी के अंत से लेकर 11वीं सदी तक उस इलाके में फले फूले जिसे आज हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के नाम से जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल की दूसरी सभ्यताओं जैसे ग्रीस, रोम या इजिप्ट के विपरीत, इन रहस्यमय लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि इनके कुछ ही लिखित दस्तावेज या हायरोग्लिफ्स बचे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि नॉर्स असामाजिक थे और प्रगतिशील नहीं थे, पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनका मुकाबला नहीं था। जहाज बनाना, पुल बनाना, किले बनाना, हमें कुछ गोलाकार किले भी देखने को मिले हैं। डेनमार्क में तो बिल्कुल गोल किले हैं। किले के चारों तरफ सुरक्षा घेरा है और बचाव करने वाली खाई भी है, और सटीक चारों कोनों पर द्वार बनाए गए हैं। हालांकि उनकी सभ्यता कई छोटे छोटे राज्यों में बटी थी, पर सभी नॉर्स वाइकिंग्स व्यक्ति की ताकत में यकीन रखते थे। उनके यहाँ उस काल में भी सदन बैठता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तरक्की की बात थी, जबकि दूसरे यूरोपियन देशों में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने नई बात को जन्म दिया कि असली ताकत लोगों के पास है, किसी शाही खानदान के पास नहीं होनी चाहिए। वो गणतंत्र के बेहतरीन उदाहरण थे। उनके लोग दूर दूर से कानूनों पर बहस करने के लिए आते थे और राजनीतिक या सांस्कृतिक मसलों को भी मिलकर सुलझाया जाता था। पर इतिहासकारों को सबसे चौंकाने वाली बात ये लगी कि वाइकिंग्स अपनी मातृभूमि स्कैंडिनेविया से कितनी दूर निकले।
अपने समय की दूसरी यूरोपियन सभ्यताओं के मुकाबले वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से दूर यूरोप और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के नए विशाल इलाके खोजने और जीतने निकल पड़े। उन्होंने ही जहाज का आविष्कार किया था और उन्होंने ही बाकी दूसरी जर्मन ट्राइब्स के मुकाबले दक्षिण की तरफ बेहतरीन ढंग से कूच किया था। नॉर्स लोगों ने अपनी जहाजों में आधी दुनिया नाप ली थी। पूर्व में वो रूस की नदियों में आगे बढ़कर कैस्पियन सागर तक पहुंच गए थे। वहीं पश्चिम में वो यूरोप के तटों में आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरियन पहुंचे। यहां तक कि वो आगे बढ़कर अटलांटिक ओशन पहुंच गए, जिसके बारे में तब तक नहीं पता था। पुरातत्वविदों के मुताबिक 1960 के दशक में न्यूफाउंडलैंड कनाडा में मिली प्राचीन कलाकृतियों से ये साबित होता है कि वाइकिंग्स पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस से करीब 500 साल पहले। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब उस बात पर बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या वाकई नॉर्स लोग अमेरिका आए थे। ये बहस एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। अब हमें उनके कुछ ऐसे इलाके मिले हैं जो 1000 ईस्वी के थे, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो उत्तरी उत्तर अमेरिका में आए थे। नॉर्स लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्हें शिप बनाने में महारत हासिल थी, और शायद इसी वजह से वाइकिंग्स के युग को अक्सर जहाजों के माध्यम से दर्शाते हैं। जिन्होंने भी वाइकिंग्स जैसे जहाजों में यात्राएं की हैं, वो मानते हैं ये जहाज समंदर के लिए बेहतरीन और तेज रफ्तार वाले जहाज थे। अपने जहाजों की वजह से ही वो इतने लंबे सफर तय कर पाए। वाइकिंग्स ही पहले लोग थे जिन्होंने जहाजों के तालों को बेहतर बनाया ताकि उनका जहाज अटलांटिक की लहरों में भी कभी पलटे ना। लंबे जहाजों को बनाना उनके लिए एक बेहतरीन उपलब्धि थी। ये पतले लंबे जहाज कारीगरी का बेहतरीन नमूना थे जो नदियों के साथ साथ समुद्र की लहरों में भी उतने ही कारगर थे। ये काफी हल्के थे और उनकी बेहतरीन बनावट उन्हें फ्लेक्सिबल बनाती थी, जिससे वो तूफानों जैसी स्थिति में भी बेहतरीन ढंग से टिके रहते थे। हाइड्रोडायनेमिक्स का उनका ज्ञान काबिले तारीफ था। कुछ जहाजों में हमें मेटलर्जी के कुछ नमूने दिखे हैं। स्मेल्टिंग की गई थी, वो अलग अलग एलॉयज इस्तेमाल करते थे और ये उन सभी सभ्यताओं के विपरीत था जिनके संपर्क में वो आते थे। मगर कई शोधकर्ता आज भी ये सोचकर हैरत में हैं कि उत्तर के बेहद ठंडे और दुश्वार इलाकों में रहने के बावजूद वाइकिंग्स सामाजिक, राजनैतिक और तकनीकी रूप से इतने उन्नत थे। अगर हम कुछ दूसरे प्राचीन सभ्यताओं की बात करें जैसे माया या फिर इजिप्शियन, वो इस इलाके को छोड़कर ज्यादा दूर कभी नहीं गए। यहाँ तक कि ग्रीक्स भी पास ही रहे, पर वाइकिंग्स वो एक जगह नहीं थे। और आप ये सोचकर दंग रह जाएंगे कि वो कितने उत्सुक प्रवृत्ति के लोग थे। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने आधी दुनिया पार कर ली थी? आखिर वो ढूंढ क्या रहे थे? नॉर्स वाइकिंग्स को ये टेक्नोलॉजिकल और जियोग्राफिकल ज्ञान आखिर कैसे हासिल हुआ? क्या उनके बनाए किले और अनजान महाद्वीपों की उनकी यात्राएं ये साबित करती हैं कि उन्हें किसी प्रकार का एलियन ज्ञान हासिल था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट यही मानते हैं। उनके मुताबिक इसके सबूत इन रहस्यमय लोगों की आस्था को टटोलने पर मिल सकते हैं। लिंडिसफान, इंग्लैंड, 793 ईस्वी। सैकड़ों वाइकिंग्स ने नॉर्थम्ब्रिया के तटों से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटे से द्वीप पर हमला बोल दिया। वजह थी वहां की मोनेस्ट्री में छिपे खजाने की खबर। लिंडिसफान पर हुए इस हमले के बारे में कहा जाता है कि इसके साथ ही उस इलाके में अजीबोगरीब चक्रवात आए, बिजलियां कड़की और आग उगलते ड्रैगन्स आसमान में देखे गए। क्या ये अनोखी घटनाएं एक इत्तेफाक थी या फिर ये एक सबूत था कि उस हमले में एलियंस भी वाइकिंग्स के साथ थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का यही मानना है। इसका जवाब हमें उन अलौकिक शक्तियों की जांच से मिल सकता है जो नॉर्स के धर्म और पौराणिक गाथाओं का मूल है।
नॉर्स देवताओं को लंबे समय तक एक बड़े इलाके में पूजा जाता रहा, जिसमें पूरा उत्तरी यूरोप, जर्मन के इलाके, यहाँ तक कि ब्रिटिश आइलैंड भी शामिल हैं, और उत्तर में आइसलैंड और ग्रीनलैंड और पूरा स्कैंडिनेविया भी। क्योंकि नॉर्स या वाइकिंग देवताओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए आधुनिक विद्वानों ने अपना मत वाइकिंग युग से कुछ सौ साल बाद लिखी गई आइसलैंडिक बुक्स एडस के आधार पर बनाया है। और फिर हमें पता चला उनमें गॉड ओडिन, गॉड फ्रे और गॉड थॉर शामिल हैं। ये सबसे मशहूर है, पर साथ ही कुछ दूसरे देवता भी हैं जिनके बेसिस पर ये पौराणिक गाथा लिखी हुई है। ये ईश्वर अपनी ही दुनिया में रहते थे, पर वो कहीं ना कहीं इंसानी दुनिया के पास ही थी। नॉर्स ने कॉस्मोस या कहिए ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन आकलन और उदाहरण दिया। इनफैक्ट उन्होंने कॉस्मोस को कहा एक यग्द्रसील, जिसका मतलब जिंदगी का पेड़ कह सकते हैं। वो ब्रह्मांड को इस नजरिए से देखते थे, और बात जो उन्होंने साफ तौर पर बताई है कि उनके ब्रह्मांड में नौ अलग अलग दुनिया है, जिनमें से एक हम है, यानी कि पृथ्वी। हम अक्सर नोडिक माइथोलॉजिकल आयान की नो दुनिया की बात सुनते हैं, जिसमें से एक एस्गार्ड है, जहां रहते हैं थॉर और ओडिन, और वही एक इंसानों की दुनिया है जिसे कहते हैं मिडल अर्थ या मिडगार्ड। और अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे एस्गार्ड और मिडगार्ड से आगे, तो हमें मिलेगा यूटनहाइन, जहां जायंट्स रहते हैं। उसके बाद है मुस्पेल, जहां सिर्फ और सिर्फ आग है। एक और दुनिया है नेफेलहाइम, इस दुनिया में जमे हुए दानव रहते हैं। एक और है एल्फहाइम, जहां बोने रहते हैं। एडिस के मुताबिक एस्गार्ड सबसे शक्तिशाली देवताओं का निवास स्थान था, एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण दुनिया जहां थे आलिशान सभागृह, उपजाऊ जमीनें जिनमें सुनहरी नदियां बहती थी। ओडिन सभी देवताओं के मुखिया थे, वो सबसे ऊपर स्वर्ग में रहते थे। एस्गार्ड, उनकी एक ही आंख थी, उन्होंने सच्चाई के प्याले के बदले अपनी एक आंख कुर्बान की, तभी उन्हें ज्ञान हासिल हुआ था। वो एक ऐसे योद्धा देवता थे जिनसे दुश्मन थर थर कांपते थे। ओडिन ने ही लोगों को अक्षरों के रूप में लिखित भाषा सिखाई, इसी देवता ने उन लोगों को काव्य का ज्ञान दिया। यही वो देवता थे जिन्होंने इंसान को एक बेहतर जिंदगी जीने के कई गुणों को सिखाया था। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ओडिन कोई पौराणिक देवता नहीं बल्कि कुछ और थे? क्या वाकई उनका कोई वजूद था? और अगर था तो क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि ओडिन का राज शायद उन गाथाओं में छुपा है जो उनके दो रेवन्स के बारे में है, योगिन और म्यूनिन? ओडिन के रेवन उनके स्काउट्स थे, दोनों उनकी रिसर्च टीम थे। ओगन और मुनन सोच और याददाश्त को दर्शाते थे। ओडिन के ये खास चेले उनके स्पाई सैटेलाइट्स थे, जो उड़कर मोहल्ले का पता लगाते थे और ओडिन को आगे की प्लानिंग करने में मदद करते थे। नॉर्स लेजेंड्स के मुताबिक हर सुबह ओडिन अपने दो रहस्यमय रेवन्स को भेजते थे, हगिन और मनन को, और रात में वो रेवन्स वापस लौटते थे और उन्होंने दिन भर जो कुछ देखा होता था वो ओडिन को बताते थे। कई विद्वानों के अनुसार ओडिन के दो रेवन्स, जो विचार और याददाश्त के प्रतीक हैं, असल में पौराणिक किरदार थे। पर क्या ये मुमकिन है कि ह्यूगिन और म्यूनिन असल में कुछ और थे? शायद कोई दूसरी टेक्नोलॉजिकल चीजें? जब भी वो दूसरी दुनिया के हालचाल जानना चाहते थे, उनके यहाँ की गतिविधियों का पता लगाना चाहते थे, वो अपने इन दो रेवन्स को भेजते थे और आसमान में वो किसी स्पाई ड्रोन्स की तरह उड़कर दूसरे देशों का चक्कर लगाकर ओडिन के पास आते थे और उन्हें वहाँ की खबर देते थे। ये ऐसा लगता था मानो ओडिन के पास एक तरह के स्पाई प्लेन्स या स्पाई ड्रोन्स थे जिन्हें वो भेजता था, ठीक वैसे ही जैसे आज मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्स ने वाकई ये कहा था कि ये रेवन थे या फिर ये कुछ और चीजें थी, ऐसी चीजें जो आसमान में उड़ सकती थी। हमें जो कुछ भी मिलता है वो बहुत ही रहस्यमय है कि क्या ये रेवन्स वाकई देवता से बात कर सकते थे
या फिर ये रेवंस किसी तरह से स्पाई ड्रोन थे या फिर एक तरह की स्पाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जिससे ओडिन दूसरों की खबर लेते थे। क्या ये मुमकिन है कि ओडिन असल में एक एलियन खोजी थे जिन्होंने प्राचीन स्कैंडिनेवियंस पर नजर रखने के लिए आज के जमाने के ड्रोन्स जैसी फ्लाइंग मशीन्स भेजी थी? अगर हाँ, तो क्या ओडिन के एलियन होने के और सबूत हमें वाइकिंग्स के अन्य पौराणिक गाथाओं में मिल सकते हैं? क्योंकि ओडिन एस्गार्ड में रहते थे, इसलिए उन्हें हालात का पूरा जायजा था। उनके दो रेवन थे जो हर दिन उड़ते थे और शाम को वापस आकर ओडिन को हाल सुनाते थे, पर साथ ही वो एक ऊंची जगह पर बैठते थे। ओडिन की ऊंची जगह, जिसे आमतौर पर वॉच टावर के नाम से जाना जाता है, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो बैठकर पूरी दुनिया पर नजर रख सकते थे और नीचे देख सकते थे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट के मुताबिक ये ऊंची जगह या वॉच टावर बेहद उन्नत एलियन टेक्नोलॉजी का एक और उदाहरण है। प्राचीन काल की कुछ कहानियां जैसे देवता ओडिन ऊपर बैठकर ठीक नीचे मिडगार्ड या कहिए पृथ्वी पर नजर रखते थे, पर उन्हें ऊपर से सब कुछ साफ दिखता था। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये कोई माइथोलॉजिकल नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजिकल बात है। मुझे तो ये ऐसा लगता है मानो ओडिन किसी स्पेसशिप की कैप्टन चेयर पर बैठे हो जो आसमान के चक्कर लगा रहा हो और जहाँ से पृथ्वी का पूरा नजारा दिखता हो। तो जब भी हमें देवताओं के बारे में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जिसमें वो अलग अलग तरीकों से पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर हरकत करते हैं, इससे मुझे लगता है कि ये कहानियां उसी देवताओं के बारे में नहीं है बल्कि उन स्पेस ट्रैवलर्स के बारे में है जिनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पूर्वजों ने ये सब अपनी आँखों से देखा और कहा, अरे ये तो देवता ही है। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट के मुताबिक ओडिन की वो ऊंची जगह दरअसल अंतरिक्ष में परिक्रमा करता कोई स्पेसशिप था जहां से देवों के मुखिया पृथ्वी पर नजर रख सकते थे। अगर ऐसा है तो क्या इसी नजरिए से वाइकिंग देवता कहलाने वाले अन्य जीवों से जुड़ी बेहद परिष्कृत टेक्नोलॉजी को समझा जा सकता है? तूफान और कड़कती बिजली के देवता थॉर अपने जादुई हथौड़े द्वारा तूफानों पर नियंत्रण और जायंट्स को पराजित कर सकते थे। थॉर ओडिन के बेटे थे, वो आसमान के देवता थे जिनके वश में तूफान और कड़कड़ाती बिजली थी। उनके पास एक जबरदस्त हथौड़ा था, वो बेमिसाल व्यक्तित्व के थे, वो एक पावर गॉड थे। आमतौर पे थॉर आसमान में अपने एक खास रथ में उड़ते थे जिसे बकरियां खींचती थी। जहाँ ओडिन देवताओं के देव थे, वही थॉर हम सभी के देवता थे। थॉर एक तरह से टिपिकल आसमानी देवता थे और थंडर शब्द जो है ये थॉर से ही बना है। स्वीडिश में थंडर का मतलब ये निकाला जाता है कि आसमान में थॉर का रथ दौड़ रहा है जिसके वजह से ऐसी गर्जन पैदा होती है। उस रथ की हुंकार से सारा स्वर्ग हिलता है, बिजलियां कड़कने लगती है और यहाँ पृथ्वी पर हम इंसानों को आसमान में तूफान के दौरान ऐसा ही नजारा दिखता है। उनका व्यक्तित्व कमाल का है, वो बहुत ताकतवर है, दुनिया के रखवाले हैं। वो आगे बढ़ के जायंट्स की पिटाई और उनका खात्मा करते हैं। वो न सिर्फ देवताओं की रक्षा करते हैं पर उनके युद्ध के बीच फंसे हुए इंसानों पर भी वो कोई जुल्म नहीं होने देते। पौराणिक नॉर्स गाथाओं के अनुसार थॉर को अपनी शक्ति कई जादुई टूल से मिली थी जिनमें से एक थी मैनियो, एक ऐसी बेल्ट जो आश्चर्यजनक रूप से थॉर की शक्ति को दुगना कर देती थी। इसे कहा जाता था थॉर की पावर बेल्ट। तो जब भी मुझे कोई ऐसी कहानी सुनने में आती है कि एक बेल्ट पहनने से आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं ये काम किसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का तो नहीं है। क्या ये मुमकिन है? आज हम ऐसे युग में हैं जहां हम ऐसे प्रोस्थेटिक इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली ब्रेन कमांड्स को सुन और समझ सके। इसमें ये होता है कि एक तरह का एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी खोल तैयार किया जाता है और एक आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा दिमाग हमारे अंगों को कमांड देता है। ये सब टेक्नोलॉजी ने ही मुमकिन किया है। थॉर की बेल्ट की ताकत कहीं ना कहीं आज की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक मिलती है और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बायोनिक एक्सोस्केलेटन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सैनिकों में इस्तेमाल की जा रही है जिससे उनकी रफ्तार और ताकत दोनों बढ़ सकती है। तो जब भी हम थॉर की बेल्ट
और उससे मिली दुगनी ताकत की बात सुनते हैं तो ये हो सकता है कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो। जब प्राचीन लोगों को टेक्नोलॉजी को समझाना पड़ा होगा तो ये साफ पता चलता है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता चला होगा। इससे ये सवाल उठता है कि आज के जमाने में हमारे पास बायोनिक एक्सोस्केलेटन नाम की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं वाइकिंग्स या उनके देवताओं के पास तो नहीं थी। क्या ये मुमकिन है कि वाइकिंग गॉड्स ओडिन और थॉर असल में एलियन खोजी थे? ऐसे एलियन जिनके पास बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी थी? अगर हाँ तो ये आश्चर्यजनक रूप से विकसित जीव कहां से आए थे? वो यहां कैसे पहुंचे और उनके इरादे क्या थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट के मुताबिक इसका जवाब उन वाइकिंग देवताओं से जुड़ी कहानियों में मिल सकता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, साथ ही उन पौराणिक नॉर्डिक गाथाओं में जो पृथ्वी को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले दिव्य सेतुओं का जिक्र करती हैं। गामला उपसाला स्वीडन। स्टॉकहोम से करीब 65 किलोमीटर उत्तर में बसा छोटा सा कस्बा स्कैंडिनेविया में इंसानों द्वारा आबाद सबसे पुरानी जगहों में से एक। इस चर्च के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट्स को उपसोला नाम के एक मशहूर टेंपल के अवशेष मिले। 14वीं सदी के अभिलेख द डीड्स ऑफ बिशप्स ऑफ द हैम्बर्ग चर्च के मुताबिक इस भव्य टेंपल का निर्माण सबसे शक्तिशाली वाइकिंग देवताओं के सम्मान में किया गया था, जो थे ओडिन, थॉर और फ्रेयर। नॉर्स माइथोलॉजी में फ्रेयर को तरक्की का देवता माना जाता है। जिन परंपराओं को हम सबूत के तौर पर देखते हैं उनके हिसाब से फ्रेयर हमेशा ही शांति और समृद्धि से जुड़े नजर आते हैं। इस तरह उनकी सारी खूबियां उन्हें इंसानों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने में मददगार हैं। ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद ही समृद्धि और तरक्की थी। माना जाता है कि फ्रेयर मौसम को नियंत्रित कर सकते थे, साथ ही वो एक जाने माने कूटनीतिज्ञ भी थे। वो अनेकों वाइकिंग गॉड्स और जायंट्स के झगड़ों को भी सुलझाते थे। वाइकिंग देवों में लोकी नाम के एक देवता का जिक्र है जो हमेशा देवताओं को आपस में लड़वाते रहते थे। लोकी दरअसल देवता थे ही नहीं, वो एक जायंट थे जिनकी गिनती देवताओं में की जाती है। और अंत में उन्होंने मुर्दों की फौज बनाई और देवताओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। वो नियमों को नहीं मानते थे जिसकी वजह से ऐसे बखेड़े खड़े होते थे जिनमें देवताओं को दखल देना ही पड़ता था। लोकी के बिना तो फसाद ही नहीं होते और ना ही हमारी माइथोलॉजी होती। एडिस की किताबों में दर्ज कहानियों के अनुसार लोकी ने अपनी कई शैतानियों में से किसी एक के प्रायश्चित के लिए फ्रेयर को स्किट ब्लैडनियर नाम का एक जहाज भेंट किया। फ्रेयर का यह जहाज स्किट ब्लैडनियर पानी में उतरने वाला सबसे बेहतरीन और उम्दा सवारी था। यह पानी में बेहद तेज रफ्तार पर सफर कर सकता था और अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो एक छोटे से पाउच में रखकर साथ लिए घूम सकते थे। स्किट ब्लैडनियर बेमिसाल है क्योंकि आप इसे फोल्ड करके अपने जेब में रख सकते, लेकिन जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये महान वाइकिंग शिप बन जाता था। इसे हवा की जरूरत नहीं थी, वो इसी में थी। इसे दिशा दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये आपको वहीं ले जाता जहां आप पहुंचना चाहते थे, और मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको इसे संभालने के लिए जगह तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी फोल्ड होने वाली खूबी की वजह से आप इसे जेब में रख सकते थे। ये खूबी इसे वाइकिंग शिप बिल्डर की सबसे महान रचना बनाती है। क्या ये मुमकिन है कि स्किट ब्लैडनियर केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि एक जीता जागता स्पेस क्राफ्ट था जिसे शुरुआती स्कैंडिनेविया ने अपनी आंखों से देखा था? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स इसका जवाब हाँ में देते हैं। उनके मुताबिक इसके सबूत उस प्रजाति की कहानियों में छिपे हैं जो देवताओं के लिए जादुई हथियार बनाती थी। नॉर्स गाथाओं में ये बौने इवाल्डी के बेटे थे जिन्होंने थॉर और ओडिन और दूसरे नॉर्स देवताओं के बेमिसाल हथियार बनाए थे। कथाओं में इन बौनों का जिक्र मिलता है। इन नोम्स का जिनका कद छोटा था, ये लोग ही इन खास और बेहद हाईटेक वेपन्स के लिए जिम्मेदार थे जिन्हें नॉर्स देवता इस्तेमाल करते थे।
इसलिए हमें ताज्जुब होता है कि आखिर ये छोटे लोग थे कौन। नॉर्स सिस्टम में इवाल्डी के बेटे देवताओं में बेहद महान कारीगर बताए गए हैं और वो शानदार चीजों के निर्माता थे जिन्हें ये शक्तिशाली देवता इस्तेमाल करते थे। नॉर्स देवता फ्रेयर जिस जहाज स्किड ब्लैडनियर का इस्तेमाल करते थे, क्या उसका निर्माण करने वाले इंजीनियर्स इवाल्डी के ही बेटे थे? अगर ये सच है तो वो कौन और क्या थे? अब सवाल ये उठता है कि क्या इवाल्डी के बेटे वैसे ही बोने थे जिन्हें हम आज की दुनिया में भी देखते हैं? क्या वो वाकई काल्पनिक कहानियों के किरदार हैं, या फिर बोने का ये ठप्पा उन पर इसलिए लगा दिया गया क्योंकि उनका कद इंसानों से छोटा था? और शायद इसीलिए आज भी हम ग्रे एलियन की कल्पना बोनों के रूप में करते हैं क्योंकि उनका कद काठी छोटी थी। क्या ये मुमकिन है कि ये छोटे लोग जो इन हाईटेक हथियारों को बना रहे थे वाकई ग्रे एलियंस ही थे, और शायद हमारे पूर्वज उनकी असली पहचान नहीं जानते थे इसलिए वो उन्हें ड्वार्फ्स या बौने कहते थे? और ये छोटे लोग वही हैं जो नॉर्स देवताओं के हाईटेक हथियारों का निर्माण करते थे? देखने पर ऐसा लगता है कि ये हथियार किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। देखिए, जब हम बोनो और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की बात करते हैं तो हमें छोटे ग्रेस का ख्याल आता है, और मेरे ख्याल से ये ड्वार्फ्स ही ग्रे एलियन थे। क्या इवाल्डी के बोनो जैसे बेटे जिनका जिक्र वाइकिंग गाथाओं में है वाकई वो एलियन विजिटर्स थे जिन्हें आज हम ग्रेस कहते हैं? और क्या ये भी मुमकिन है कि वाइकिंग या नॉर्स देवता दरअसल दूसरी दुनिया के जीव थे? अगर हाँ तो वो यहां तक पहुंचे कैसे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स के मुताबिक इसका जवाब एक वाइकिंग कथा में दर्ज है जिसमें एक इंद्रधनुषी पुल बिफ्रॉस्ट का जिक्र है, एक ऐसा पोर्टल जो देवताओं और इंसानों की दुनिया को आपस में जोड़ता है। बिफ्रॉस्ट ऐसा पुल है जो एसगार्ड को मिडगार्ड से जोड़ता है, और बिफ्रॉस्ट का ये किरदार बेहद दिलचस्प है और इसकी वजह से इंसान और उनके देवता सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। देवता एक दूसरे से मिलने के लिए इसी रेनबो ब्रिज का इस्तेमाल करते थे जो एक पवित्र कुएं के पास था। रेनबो ब्रिज में लाल लकीर बेहद गर्म थी, ये एक अच्छी ट्रिक थी ताकि इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी जगह बनाया जा सके। कुछ विद्वानों ने संभावना जताई है कि शायद ये मिल्की वे से प्रेरित था। ये देखिए, ये है वो रेनबो ब्रिज जिसके जरिए देवताओं के घर पहुंचा जा सकता है देवताओं की जमीन पर। तो क्या ये मुमकिन है कि ये रेनबो ब्रिज बिफ्रॉस्ट किसी किस्म का वर्म होल था जो लोगों को हमारे ग्रह के स्टारगेट से देवताओं की जमीन से जोड़ता था, यानी दो ग्रहों को? फर्ज कीजिए कि आपको यहाँ से सीधे चाइना जाना हो, हमेशा ये चक्कर काट कर जाना सीधे जाने से लंबा पड़ता है। सीधी लाइन हमेशा ही सबसे छोटा रास्ता है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप वर्म होल यानी स्पेस में कट बना पाए जो आपको आपकी मंजिल से जोड़ता हो तो आप अपनी मंजिल पर छोटे रास्ते से बेहद तेजी से पहुंच सकते हैं। प्राचीन मानव को ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था जिससे वो वर्म होल की व्याख्या कर सके, लेकिन रोशनी का ये रास्ता काफी जाना पहचाना है। क्या बिफ्रॉस्ट नाम का ये पौराणिक पुल वाकई कोई इंटरस्टेलर वर्म होल था? अंतरिक्ष में बनी एक ऐसी दिव्य सुरंग जिसका इस्तेमाल वाइकिंग देवता पृथ्वी पर आने जाने के लिए करते थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स के अनुसार इसके और ज्यादा सबूत वाइकिंग देवताओं के बेमिसाल हथियारों के भंडार की सूक्ष्म जांच से। बलिंगस्टा स्वीडन स्टॉकहोम से करीब 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलते ही ग्रेनाइट पर उकेरी गई प्राचीन नक्काशियां मिलती हैं। इन्हें बॉक्सस्टार रून स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये उन चुनिंदा स्मारकों में से एक है जिनमें देवता ओडिन को उनका करिश्माई भाला गुनियर पकड़े दिखाया गया है। ये बॉक्सस्टार रून स्टोन बेमिसाल प्राचीन स्मारक है जिस पर वाइकिंग के प्राचीन शिलालेख लिखे हुए हैं, जिनमें ओडिन को अपने भाले के साथ घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है।
नॉर्स देवताओं के बारे में जो बात हमें पता चलती है कि वो ये है कि इन सब के पास शानदार हथियार थे और उनमें से एक था ओडिन का भाला, जिसे उन्होंने नाम दिया था गुनियर। और ये गुनियर एक करिश्माई भाला था जिसे फेंकने पर ये निशाने पर जरूर लगता था। वाइकिंग या नॉर्स की पौराणिक गाथाओं के मुताबिक ओडिन का भाला इवाल्डी के बेटों ने ही बनाया था। वो ही जीव थे जिन्होंने स्किड ब्लैडनियर का जहाज भी बनाया था। उनके इस भाले में कई विशेषताएं थी। इसका ना सिर्फ निशाना अचूक था बल्कि ये बेहद ताकतवर भी था। गर्नियर एक हाईटेक हथियार था, चाहे इसे किसी भी चीज पर फेंका जाए निशाना सटीक लगेगा। ये किसी लेजर गाइडेड क्रूज मिसाइल जैसा लगता है या ऐसी ही किसी चीज जैसा जो एक बार निशाना तय होने के बाद उसका पीछा करती है और उसे खत्म कर देती है। हम जानते हैं कि लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने पर यह हमेशा निशाने पर लगता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उन्नत हथियारों का शानदार नमूना था। देवता के पास इस घातक हथियार के होने के दो पहलू हो सकते हैं, एक ये सिर्फ कहानियां हैं या दो ये वाकई एक हकीकत है। आज हम जानते हैं कि ऐसे हथियारों का वजूद होता है। अत्यंत सटीक हथियार जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स और उपग्रह द्वारा निर्देशित युद्ध सामग्री दुनिया के बेहतरीन सैन्य शस्त्रधारों का सबसे अहम हिस्सा है। क्या ये मुमकिन है कि ओडिन के पास भी ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी थी? क्या गुनियर किसी दूसरी दुनिया के जीवों द्वारा बनाई गई कोई गाइडेड मिसाइल थी? जब प्राचीन लोग टेक्नोलॉजी की व्याख्या करते हैं तो साफ हो जाता है कि वो ऐसे हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये संभव है कि गंगनीर जैसे घातक हथियार किसी उन्नत तकनीक का आविष्कार थे जिसे वाइकिंग्स या अनेक देवता इस्तेमाल करते थे? अगर गुनियर सटीक वार करने वाली कोई गाइडेड मिसाइल थी जिसे आज हम स्मार्ट बॉम्ब्स कहते हैं, तो थॉर के महाशक्तिशाली हथौड़े म्यूनियर के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है? थॉर के हथौड़े का ओरिजिन दिलचस्प है। इसे बोनो को डराकर बनवाया गया था। इसका हैंडल इतना लंबा नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन ये बेहद ताकतवर था और इसका वार कभी नहीं चूकता था। इसे जिस चीज पर फेंका जाता था उसे तबाह करके वो फिर अपने मालिक के पास लौट आता था, ठीक किसी बूमरैंग की तरह। थॉर का हथौड़ा नॉर्स देवताओं के दूसरे हथियारों की तरह ही किसी असली हाईटेक वेपन जैसा ही था, तो कह सकते हैं कि ये हथियार उन्हें एलियंस ने ही दिए थे। जब वो इसका इस्तेमाल करते थे तो कहा जाता है कि ये पहाड़ों को भी चूर कर सकता था। कल्पना कीजिए ऐसे हथियारों की जो वाकई किसी पहाड़ को तबाह कर सकते थे। अब हथौड़े से तो विस्फोट नहीं होते, ये तो उनकी मांसपेशियों की ताकत थी जो निशाने का सफाया कर देती थी, और इसे ही आज हम काइनेटिक वेपन्स के नाम से जानते हैं। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक पीटर शूल्स वर्टिकल गन नाम की एक डिवाइस द्वारा काइनेटिक एनर्जी की बेमिसाल ताकत का अध्ययन कर रहे हैं। ये एक विशाल तोप है जो ऊपर से घुमावदार है ताकि हम अलग अलग एंगल से हमला कर सकें। इस गन की रफ्तार बेहद तेज है और अगर हम कामयाब रहे तो ये चीजों को पिघलाकर भाप भी बना सकेगी। देखा जाए तो ये एक काइनेटिक हथियार है, पर हम किसी चीज को निशाना नहीं बना रहे बल्कि टारगेट टैंक के अंदर ही है। तेज रफ्तार वाले काइनेटिक इम्पैक्ट के असर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक वर्टिकल गन के जरिए इस मजबूत स्टील चेंबर में रखे निशानों पर करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर प्रोजेक्टाइल्स दागते हैं। गोले की जगह हम छोटी छोटी बॉल बेयरिंग यूज करेंगे। ये औंस के 100वें हिस्से जितनी है। हम इन्हें 17,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाएंगे और फिर हम इन्हें इस ब्लॉक पर दागते हैं। जब किसी छोटी चीज की रफ्तार इतनी तेज हो तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और काइनेटिक एनर्जी मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर्ड होती है। इतनी तेज रफ्तार कुछ भी तबाह कर सकती है। चलिए देखते हैं। हाई स्पीड कैमरास की मदद से कुछ तस्वीरों को 40,000 फ्रेम्स पर सेकंड की रफ्तार पर कैद करते हुए शूल्स इसकी जांच कर रहे हैं कि स्पीड और मास मिलकर कितनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। हम तैयार हैं, सुरक्षा इंतजाम पूरे और रीसेट।
5.53 किलोमीटर। ध्वनि की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज ये प्रोजेक्टाइल बेहद तेजी से एक ठोस स्टोन ब्लॉक से टकराती है। ओह माय गॉश, ये नजारा देखिए, इसका तो चूरा बन गया। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के अनुसार इस गन की विनाशकारी ताकत थॉर के हथौड़े से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या काइनेटिक एनर्जी वेपन्स की ये अवधारणा नई है या फिर प्राचीन लोग भी इससे कुछ ताल्लुक रखते हैं। थॉर की कहानियां तो यही इशारा करती है। क्या होगा अगर थॉर का ये हथौड़ा किसी किस्म का काइनेटिक एनर्जी वेपन हो और आज के इस मौजूदा दौर में हम सिर्फ अपने इतिहास को ही फिर से दोहरा रहे हैं। हो सकता है कि प्राचीन वाइकिंग्स ने अपनी गाथाओं में जिन चीजों का जिक्र किया था वो असल में एलियन टेक्नोलॉजीज हो। क्या ओडिन के भाले और थॉर के हथौड़े के अनेक विवरण इस बात का सबूत है कि वाइकिंग्स किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों के संपर्क में थे? अगर हाँ तो ये प्राणी आखिर कहां चले गए? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक इसका जवाब वाइकिंग्स के दफनाने से जुड़े अजीबोगरीब और कभी कभार हिंसक रीति रिवाजों में ढूंढा जा सकता है। टूनसबर्ग, नॉर्वे, ओस्लो से करीब 80 किलोमीटर दूर और से बोर्गहोइगन के खंडहर, ये है वाइकिंग्स की एक कब्रगाह। सन 1904 में यहां हुई खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को वाइकिंग शिप के अंदर दफनाए गए दो लोगों के अवशेष मिले। ये 9वीं सदी के हैं। इस खोज ने पहली बार वाइकिंग की कुछ खास अंतिम संस्कार विधियों को उजागर किया। ओसबर्ग शिप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाइकिंग्स अपने संबंधियों के शवों को इन पोर्ट्स में ही दफनाते थे। ये स्पेस में जाने के लिए किसी किस्म का जरिया जैसे लगते हैं। ऐसी ही कोशिशों दूसरी सभ्यताओं में भी देखी जाती है, जैसे कि इजिप्शियंस और चाइनीज में भी। ऐसी ही कोशिशें दूसरी सभ्यताओं में भी दिखाई देती है। पूरे स्कैंडिनेविया, ब्रिटिश आइल और आइसलैंड में एक जैसे वाइकिंग कब्रिस्तान हैं। इनमें से कईयों में नाव और जहाज जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये मुमकिन है कि वाइकिंग्स भी प्राचीन इजिप्शियंस और चीन के लोगों की तरह अपने संबंधियों को नावों में इसलिए दफनाते थे ताकि वो जिंदगी के बाद की अपनी यात्रा को पूरा कर सके? अगर हाँ तो आखिर क्यों प्राचीन नॉर्स गाथाओं के अनुसार मारे गए वाइकिंग योद्धा ओडिन से उसके प्रसिद्ध हॉल वल्हाला में मिलते थे? ओडिन का ये हॉल एस्गार्ड में है। देवताओं के राज्य को वल्हाला के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है मृतकों का हॉल, जहां ओडिन दिन भर युद्ध में एक दूसरे की तलवारों से मारे गए योद्धाओं को खुद रणभूमि से उठाकर लाते थे और उन्हें फिर जिंदा कर देते थे और फिर रात को उनके खाने के लिए शानदार प्रबंध करते थे। नॉर्स खोजियों और योद्धाओं की बहादुरी सीधे तौर पर उनकी शान से जुड़ी हुई थी और वल्हाला बस इसी का इनाम था। अगर आपने मैदान जंग में बहादुरी दिखाई तो आपको एक महान बैंक्वेट हॉल में महान आत्माओं के साथ कभी ना नष्ट होने वाले जीवन का तोहफा मिलेगा। ओडिन के इस भव्य महल को पौराणिक गाथाओं में लगभग पूरी धातु से बनी एक चमचमाती इमारत बताया गया है, जिसकी छत सोने की थी। दिन के वक्त वो लंबे लंबे टेबल्स पर बैठकर खाते पीते थे और बीच में आग जलाई जाती थी। अपनी खुराक खत्म होने के बाद टेबल से हटा दिए जाते और युद्ध शुरू हो जाता। वहाँ ऐसे लाखों नहीं तो हजारों योद्धाओं का जिक्र मिलता है। जरा सोच कर देखिए वो हॉल आखिर कितना बड़ा होगा। लेकिन इसका क्या सबूत है कि वाल्हाला जैसी कोई जगह वाकई कहीं मौजूद थी? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के अनुसार ये एलियंस का कोई अंतरिक्ष यान था। वाल्हाला हमारे पूर्वजों द्वारा गढ़ी गई कोई कहानी नहीं थी। मुझे तो ये किसी किस्म का ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन लगता है।
और मेरे ऐसा कहने की वजह यह है कि जब भी कभी वैलहला की व्याख्या की जाती है तो इसके बारे में ऐसी बातें कही जाती है जो इसे काफी अनोखा बना देती है। वैलहला के बारे में मशहूर कहानियों से इसके विशाल मेटालिक शिप होने का संकेत मिलता है और वो लोग अपने संबंधियों को भी शिप्स में ही दफनाते थे। तो क्या इस तरह के अंतिम संस्कार के जरिए वो लोग अपने मृतकों को जन्नत में भेजने की कोशिश करते थे या उन्होंने वाकई अपने देवताओं को भी विशाल मेटालिक शिप में बैठकर जन्नत जाते देखा था? पुरातात्विक प्रमाणों के साथ साथ समकालीन दस्तावेज भी ये इशारा करते हैं कि अपने संबंधियों को नावों में दफनाने के अलावा नॉर्स वाइकिंग्स इनमें से कई नावों को समंदर में छोड़ देते थे और जला देते थे। लेकिन क्यों? क्या ये अग्नि सिर्फ एक परंपरा थी जिसके जरिए मृतकों को सम्मान दिया जाता था, या प्राचीन वाइकिंग्स अपने उन पूर्वजों की नकल कर रहे थे जिन्होंने कभी किसी एलियन अंतरिक्ष यान को उड़ान भरते देखा था? तो मेरा सवाल है कि क्या हमारे पूर्वजों ने रॉकेट्स या स्पेसशिप्स को अपनी भयानक आवाज, आग और धुएं के साथ उड़ान भरते या लैंड करते हुए देखा था? और वक्त बीतने के साथ साथ उन्होंने अपने संबंधियों का संस्कार उसी तरह से करना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने अपने अतीत में देखा था? क्या नॉर्स वाइकिंग्स वाकई एलियंस के संपर्क में थे? और क्या इन्हीं जीवों को शुरुआती वाइकिंग्स ने एलियन यात्रियों की बजाय देवता समझ लिया था? अगर ये सच है तो ये अलौकिक प्राणी आखिर कहां चले गए? हम जानते हैं कि 10वीं सदी में नॉर्स ने पूरी मुस्तैदी के साथ यूरोप की खोज शुरू कर दी थी। हम नहीं जानते उनकी खोज का मकसद क्या था। हम ये भी नहीं जानते कि उन लोगों की मदद दूसरी दुनिया के प्राणियों ने की थी या नहीं। दरअसल एक ऐसी दूसरी थ्योरी भी है जो इशारा करती है कि वो देवताओं की तलाश में निकले थे। इससे पता चलता है कि वाइकिंग्स को पूरा यकीन था कि देवता पृथ्वी पर ही किसी दूसरी जगह पर रहते थे। क्या नॉर्स देवता अपनी जन्मभूमि पर इसलिए लौट गए थे कि वो वाइकिंग्स को अपनी खोज में पूरी पृथ्वी की खाक छानने पर मजबूर कर दे? या फिर वो देवता पृथ्वी पर अपने इन मेजबानों को केवल इसलिए प्रेरित करना चाहते थे कि वो इस ग्रह के कोने कोने में जाकर उन एलियन देवताओं के प्रभुत्व को फैलाएं? पौराणिक नॉर्स गाथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड का ये ज्ञान उन्हें दूसरी दुनिया के चमकदार प्राणियों से मिला था और माना जाता है कि ये चमकदार प्राणी कहीं और से नहीं बल्कि आसमान से ही आए थे। तो क्या ये संभव है कि एलियंस ने ही मानवीय इतिहास को एक बेहतर दिशा दी थी? शायद इसका संभावित जवाब है हाँ, क्योंकि हमें ऐसी कहानियों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है और ऐसा हम इंसानों को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए किया गया था। थॉर का विनाशकारी हथौड़ा, ओडिन का सब कुछ देखता राज सिंहासन और पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता एक रहस्यमय पुल, क्या वाइकिंग देवताओं से जुड़ी ये पौराणिक गाथाएं वाकई इस बात का सबूत है कि प्राचीन इतिहास में एलियंस पृथ्वी पर आते थे? अगर हाँ, तो क्या इन्हीं जीवों ने नॉर्स लोगों को पूरे ग्रह की खोज के लिए प्रेरित किया था? शायद इसका जवाब किसी वाइकिंग कब्रिस्तान टीले की गहराइयों में दफन है या किसी प्राचीन पत्थर के सीने पर गोदा गया है। हमारे लिए इस सच्चाई का खुलासा उसी दिन होगा जब वो यहां लौट कर आएंगे।